हल्द्वानी में हुए बवाल के बाद पुलिस ने उत्तराखंड के कई जिलों के संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। रामनगर में भी पुलिस जगह जगह जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी से हर आने वाली गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। रामनगर में भी प्रशासन ने संयुक्त टीम के साथ शहर के संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया। साथ ही पुलिस ने शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला। शासन ने सभी जिलों के कप्तान को इस मामले को लेकर गंभीरता बरतने के आदेश दिए हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी मामले में हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसमें उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में कल हुए दंगों के बाद अब रामनगर में भी एहतियात बरता जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा प्रशासन है जो यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहा है। ये एहतियातन कदम उठाया गया है और इसको लेकर के काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर सड़कों पर है, जिससे कि कोई अनहोनी ना हो। और यहाँ जो है बाज़ार भी बंद किए गए हैं और स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। हमारे साथ SDM राहुल शाह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर किस किस तरह के प्रावधान रखे गए। कल शाम को जो हल्द्वानी में हिंसा की घटनाएं हुई हैं उसके मद्देनजर रामनगर में भी ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर लिया जा रहा है। पूरी फोर्स को हम यहाँ पे एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर भी किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना ना हो पाए।